शेरशाह फिल्म की शूटिंग कब शुरू हुई, कहां कहां हुई, क्या कारगिल के पहाड़ में जाके शूटिंग हुई थी, ट्रेनिंग एक्टर्स को कहां मिली, कितने दिनों का सेशन था, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। हाय, मैं हूं आरजे दीपा और मेरी बात हुई है एक्टर हिमांशु मल्होत्रा से, जिन्होंने फिल्म शेरशाह में राजीव का कैरेक्टर निभाया। तो चलो जानते हैं फिल्म की वो एंड सीन के बारे में जहां हर कोई रो रहा होता है और मन भरिया सॉन्ग प्ले हो रहा होता है, तो वो कितना मुश्किल था शूट करना, सब बताएंगे एक्टर हिमांशु मल्होत्रा। फिल्म को ढेर सारा प्यार मिला है और आई थिंक बहुत खुशकिस्मती है एट द मोमेंट कि सब चीजें थिंग्स आर फॉलिंग इनटू प्लेस एज आई से। एंड उम्मीद नहीं थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतनी ज्यादा बस क्रिएट होगी, क्योंकि सबको था फिल्म जब थिएटर में रिलीज होती है तो उसका मायना अलग होता है, और जब किसी प्लेटफॉर्म पे आती है तो फिल्म आती है और चली जाती है, पता नहीं लगता। बट आई एम ग्लैड एटलीस्ट आई, लोग देख रहे हैं, लोग दो दो तीन तीन चार चार बार देख रहे हैं और बहुत ज्यादा सराहना हो रही है काम की और बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है मेरे किरदार को भी, फिल्म को भी कम्प्लीटली, गानों को भी। आई थिंक राइट नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम गोइंग ऑन। आई थिंक ऊपर वाले ने ऐसा भी हाथ रखा हुआ है तो सब चीजें आगे अच्छे से बढ़ रही हैं। एक्चुअली तो इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू हुई थी, आप इसका हिस्सा कौन कौन से लोकेशन में बने हुए थे? फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, हम लोगों ने वर्कशॉप की थी फरवरी 2019 में, और उसके बाद अप्रैल में हम लोगों ने शूटिंग की थी। थोड़ी बहुत स्टंट्स की, फाइट की, एक्ट सारी वर्कशॉप भी की थी, और 2019 अप्रैल में हम लोगों ने पालमपुर में शूट किया था सीक्वेंस जो हमने सब ने देखा, फ्यूनरल का जो सीक्वेंस था जब विक्रम जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद क्यारा आती है, वो सारा का सारा उनको लेकर जाते हैं हम सब, वो सारा सीक्वेंस हम लोगों ने अप्रैल में शूट किया था पालमपुर में। फिर 3 महीने का ब्रेक था, मई जून जुलाई अगस्त के बाद, और फिर हम कारगिल का शूट करने के लिए वहां पे ट्रेनिंग, शूटिंग, एक्शन सीक्वेंसेस, घुमरी बेस, सुपोर बेस और 4875.514 वो सारी ट्रेनिंग, वो सब शूटिंग, चॉपर से आना जाना सब, और बहुत ही मुश्किल लोकेशन पे शूट करना, वो सब चीजें हम लोगों ने अगस्त से सितंबर अक्टूबर के बीच में की 2019 में। उस पर हम लोगों ने डबिंग की जनवरी फरवरी 2020 में, फिर मार्च में लॉकडाउन आ गया और हम रिलीज करना चाह रहे थे 15 अगस्त 2020 को, बट ओपन सॉरी नॉट थिएटर्स आर स्टिल नॉट गॉट ओपन। 12 अगस्त 2021 को हम लोगों ने डिसाइड किया, आई थिंक धर्मा प्रोडक्शंस, आकाश एंटरटेनमेंट ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, इसको ओटीटी अमेज़न पर रिलीज करते हैं, एंड व्हिच अपेरेंटली प्रूव्ड आउट टू बी अ वेरी वेरी वर्ल्ड डिसीजन फॉर द फिल्म। ओके, जो फिल्म का जो लास्ट सीन है ना, ओ माय गॉड, मतलब शूट, मतलब उसको हम लोग बार बार देख रहे हैं, उस गाने में वो बात है, वो उस पूरे सीन में बात है। तो जब आप लोग शूट कर रहे थे तो क्या सच में आप लोग फील कर पा रहे थे उस शहीद की कहानी को? अच्छी तरह 100% मुझे याद है, वो पहला दिन था शूटिंग का पालमपुर में, और पहला दिन ही ऐसा था कि जब कियारा आती है नीचे और हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं, 5-6 जो भी जो बच्चे आते हैं, जो भी जो शहीद नहीं हुए हैं, मैं था, आई थिंक जिमी था और कर्नल जो थे और 3-4 और लोग थे जो भी वहां पे हम लाइन में खड़े हुए थे, और पहली बार मैंने वहां गाना सुना था जब कियारा आते हैं, पीछे बैकड्रॉप में गाना चलाया गया ये कि मन भरिया जो बी प्राग जी का गाना था, उस समय ओरिजिनल गाना यूज किया था, उसके बाद फिर उन्होंने उसके कुछ वर्सेस डब किए लेटर ऑन। और मुझे याद है मैंने उससे पहले बीपरा को सुना नहीं, मैंने उनका कोई गाना ना सुना, मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है हम लोगों ने कम से कम 7-8-10 बार वो गाना सुना वहां पर खड़े हुए, क्योंकि कियारा की एंट्री है, कभी टेक्निकल इशू हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो आ रही हैं, ट्राई कर रही हैं, ब्रेक डाउन है, जितनी बार भी वो गाना बजाए उतनी बार हम रोए हैं। और इतना मुश्किल था हमारा कंट्रोल करके रहना, क्योंकि आप आर्मी ऑफिसर हो और यू नो यू हैव टू हैव वो जज्बा होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा आप आंखों में से आंसू नहीं निकलने चलेगा, वैसे फूट फूट के रो रहे हैं क्योंकि वो गाना इतना टच कर रहा है, बार 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 ऐसा कर रहा है कम रोना कम रोना। तो वो गाना मुझे पक्का पता था कि ये गाना, और उस गाने उसके बाद मैं उस गाने का फैन बन गया, उससे पहले मैं जानता नहीं था बीपराग जी को, फिर मैंने उनको मैसेज भी किया इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा थैंक यू सो मच, मैंने पहली बार आपका गाना सुना है, आई एम डूइंग दिस फिल्म, मैंने गाना अडेप्ट किया है आपसे, और उनके सिंगल का गाना है, उनके एल्बम का गाना है ये, और उसके बाद उनका मैसेज आया, ही वॉज वेरी हैप्पी। आज भी कल परसों फिर दोबारा मैंने उनको मैसेज किया मन भरा 2.0 के लिए, उन्होंने वर्जन चेंज किया है, तो ही वाज अगेन वेरी थैंकफुल, वंडरफुल मैन। और जितनी मर्जी बार मैं वो गाना सुनता हूँ उतनी मर्जी बार आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मैं उम्मीद मैं इस बात को समझ सकता हूँ जब लोग कह रहे हैं कि जितनी बार वो देख रहे हैं बार बार उस गाने को देख के रो रहे हैं, और वो इतना दिल को छूता है ना कि एक इंसान जैसे बेइंतहा मोहब्बत है वो छूट जाता है, वो दुनिया में नहीं है, तो किस तरह का दर्द महसूस होता है।
वो सिर्फ वही जान सकता है जो उस दर्द से गुजरा हो। एक्चुअली तो जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों का वर्कशॉप हुआ था, तो ट्रेनिंग सेशन जो था ये सभी पालमपुर या कारगिल के इलाके में ही हुआ था या कहीं और वर्कशॉप आपने अटेंड किया था? ये सारा ट्रेनिंग हमारे बॉम्बे आर्मी के वाला अंदर हुई थी, ट्रेनिंग? बॉम्बे में। यस, आर्मी ट्रेनिंग सारी हमारी कलीना में जो पुलिस का यहाँ पे ग्राउंड है वहां पे सब ट्रेनर्स आए थे, वहीं पे हमें ट्रेनिंग दी गई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर ले जाके शूट करना और बाहर ले जाके ट्रेनिंग करने के कॉस्ट होते हैं, तो ट्रेनिंग यहीं पर हुई थी हमारी। 20 दिन के आसपास की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें इंजरीज भी कभी कभी यहाँ ये छिल गए, हमारे एल्बोज छिल गए, कभी घुटने छिल गए, वो सब चीजें पहले दूसरे दिन ही हो गई थी। और उसके बाद किस तरह से हमें गन को पकड़ना है, किस तरीके से सारी जो हमारी राइफल्स हैं उनको पकड़ना है, किस तरह से भागना दौड़ना है, वो सारी चीजों की ट्रेनिंग हमारी उसी दौरान हुई, सारी यहीं पर ट्रेनिंग हुई। उसके बाद कारगिल जाने से पहले कारगिल में 1-2 दिन के लिए कुछ हमारी बेसिक ट्रेनिंग हुई, क्योंकि वहां पे एक्शन डायरेक्टर आया, उन्होंने थोड़ा बहुत एक्लेमेटाइज होने के लिए भगाया दौड़ा है, बट अदरवाइज मेन ट्रेनिंग हमारी बॉम्बे में हुई सारी की सारी। हमने फिल्म में कई सारे सीन ऐसे देखे हैं जहां पर विक्रम बत्रा की टीम जो है वो बड़ी बड़ी चोटियों की चढ़ाई कर रही है, तो क्या वो रियल सीन्स हैं? यस एब्सोल्युटली, वो रियल सीक्वेंसेस हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी चीटिंग नहीं हो पे। हम लोगों ने कारगिल में जाके टॉप पे जाके वो सारे सीक्वेंसेस शूट किए, चॉपर्स वापस मंगा के सब चीजें करके, क्योंकि कोई और चॉइस ही नहीं थी। उस तरह का इंक्लाइंट 80 डिग्री इंक्लाइंट स्टीप स्लोप चाहिए था, और उस पे हम लोगों ने शूट किया है रियल लोकेशंस में, क्योंकि ये सब आप चीट नहीं कर सकते। थैंक यू वाह, थैंक यू, दैट्स वेरी आपका स्वीट एक ऑफ यू। मोनोलॉग था जहां पर यस उनको मिल रहा है स्टार और आप मेडल, पीछे वो सब कुछ, यस मैंने कहा ये हिमांशु हाँ, वो भी दैट वाज द फर्स्ट शॉट ऑफ द डे फॉर मी इन कारगिल। पहला शॉट दिन का कारगिल में जब मैं लैंड करता हूँ तो पहला शॉट ही होता है कि चॉपर से एंट्री होती है कल जो, और मैं एंटर करते हैं, और एंट्री देने के बाद हम उसको कहते हैं विक्रम सर ने जब मतलब सिद्धार्थ ने जब जीत लिया होता है तो उसको वहां पे महावीर चक्र के लिए रिकमेंडेशन और उसको स्टार दिया जाता है। तो मुझे याद है संदीप सर जो राइटर है काफी थोड़ा सा परेशान थे कि इंग्लिश के इतने बड़े बड़े डायलॉग्स हैं और वो हैज टू बी वो फौजी स्टाइल में होना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रिस्प होना चाहिए विद नॉट टू मच ऑफ इमोशंस एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छा लगा था जब मैंने वो डिलीवर तो था। आई रिटेक्स लिए थे आपने, मतलब एक ही टेक में सब हो गया था या? नहीं उस उसके अलग किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ उसके लिए। ओके ओके सो जब आपकी फिल्म आपकी फैमिली ने देखा, अमृता ने देखा, तो उनके रिएक्शंस प्लीज मुझे बताओ। आपका वीडियो जो है वो ब्रेक हो रहा है, आई ना कैन सी यू बट आवाज जो है ब्रेक हो रही है। वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड, होल्ड ऑन, आपको आवाज आ रही है अभी क्लियर? अभी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ, वो बीच में थोड़ा सा इंटरनेट शिफ्ट करना जरूरी था, कमरा शिफ्ट हुआ तो इंटरनेट भी शिफ्ट करना पड़ता है। हाँ जी बोलिए। आपके फैमिली का रिएक्शन, अमृताज रिएक्शन प्लीज टेल अस। मदर इन लॉ काफी खुश हैं, और मुझे लग रहा है बाकी सब जगह से भी वाहवाही आ रही है, वैलिडेशन आ रही है, कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट अप्रिसिएशन आ रहा है, तो दे वेरी हैप्पी। आसपास का परिवार परिवार के सदस्य सभी खुश हैं, अमृता बहुत खुश है, एंड शी इज वेरी प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फिल्म, एंड शी लव्ड द वर्क एंड आई एम वेरी हैप्पी। और आसपास के मुझे लगता है बहुत सारे पुराने दोस्त जो कोई US में हैं, कोई कनाडा में हैं, कोई UK में हैं, जिन्होंने जो बिछड़ गए थे MBA करते समय, अलग अलग काम करने लग गए थे, अपने अपने परिवारों के साथ बिजी हैं, सबने शेरशाह देखी और अलग अलग जगह से मैसेजेस, रोज ही कुछ ना कुछ मैसेजेस आ जाते हैं अलग टाइम लाइन में। तो मुझे लगता है जैसे मैंने कहा शुक्रगुजार हूँ, और इस बात का भी कि ऊपर वाले ने अच्छा समय दिखाया है, काफी मेहनत मशक्कत शिद्दत तपस्या के बाद कुछ अच्छा समय शुरुआत हुई है। सो आई थिंक आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड साथ में एक इत्तेफाक, आपका भी धर्मा प्रोडक्शन के साथ एक पेट्रियोटिक फिल्म में काम हो गया, एंड अमृता का भी काम है इन इन द मूवी राजी राजी, राइट? सही एब्सोल्युटली है। राइट, और ये कमाल की बात है, उसने भी वो पेट्रियोटिक फिल्म की वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, और उसके एग्जैक्टली 1 साल के बाद मैंने शेरशाह ज्वाइन किया था, और वो भी पेट्रियोटिक फिल्म है, वो भी सुपर डुपर हिट है। तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद धर्मा प्रोडक्शंस एट द मोमेंट बोथ ऑफ अस। ओके सो ये बात हो गई शेरशाह की, आपके एक्सपीरियंस की, एंड नाउ हिमांशु कुछ न... अच्छा, आप इतने दिनों से छुपा के बैठे थे, आप बता नहीं रहे थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में है। इसलिए क्योंकि पता ही नहीं था कि कब रिलीज होने वाला है। 2019 में बात हुई थी, 2020 में भी थोड़ी बहुत बात हुई थी कि आई हैव डन दिस फिल्म, अब ये कब रिलीज होगी, कैसे रिलीज होगी, क्योंकि 1.5 साल हो चुका था इस फिल्म के रिलीज का भी इंतजार था।
फिर अचानक से आई थिंक जुलाई में पता लगा कि हम लोग रिलीज कर रहे हैं, धर्मा की मार्केटिंग टीम से फोन आया दैट यू नो वी बी प्रमोटिंग द फिल्म, तो वी विल रिक्वायर योर सपोर्ट इन दैट. वाई सेड था बोले लेट्स गो गो अहेड विद दैट. तो तब तक मैं शो भी साइन कर चुका था स्टारप्लस का नया जो मैं शूट कर रहा हूँ अभी, तो सब चीजें मुझे लग रहा है अपने आप ही साथ साथ हो गया. वो शो भी लॉन्च हो रहा है 30 अगस्त को और 12 अगस्त को फिल्म रिलीज हो चुकी है. तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ गुड टाइम हैपनिंग. So tell me about your new show, which is going on in 30th August. Yes, so 30 अगस्त को नया शो आ रहा है. शो का नाम है चीकू की मम्मी दूर की, एंड इट्स अ वेरी यस इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल. पहले इस शो का टाइटल रखा जा रहा था माँ, बिकॉज इट्स अबाउट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर, बट ऑफ कोर्स आई एम आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द फिल्म ऑफ द टेलीविजन शो. सो इट्स बेसिकली अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द वाइफ एंड द हस्बैंड एंड द डॉटर. तो उस तरह का है कि बेटी खो जाती है और उसके बाद मिलने के लिए काफी समय लग जाता है, और किस तरह से रिलेशनशिप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, एंड हाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस रिलेशनशिप्स रिवाइव. ऑल इन ऑल अ ब्यूटीफुल स्टोरी, अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर. आई एम टोटली लविंग प्लेइंग व्हाट आई एम प्लेइंग इन द शो एट द मोमेंट, एंड बहुत अच्छे लोग हैं. और फोर लाइंस का शो है गुल खान का, और गुल मैम हमेशा से अच्छे शोज बनाती है. साथ में नीलांजना मैम है प्रोड्यूसर, उनकी भी उनका भी प्रोडक्शन है, और वो भी पहले से बहुत कुल्फी कुमार बाजे वाला उनका ही शो था, बड़ा बेहतरीन शो था. तो वो हमेशा कहते हैं ये शो उस तरह का बनेगा कुछ, तो उम्मीद करते हैं कि शो अच्छे से चले और लोगों को पसंद आए. एंड दैट्स ऑल आई कैन से एट द मोमेंट. या डन है, आपका शो एयर हो जाएगा, उसको कुछ समय निकल जाएंगे तब फिर से आपके साथ एक इंटरव्यू सेशन करते हैं. आई एम गुड फॉर सर. इस सेशन के लिए आपका एक इंट्रो पार्ट मुझे रिकॉर्ड कर लेना है. प्लीज हाय, कर आप लीजिए. हाँ हिमांशु, एंड अपने कैरेक्टर के बारे में बताकर आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं आरजे दीपा के साथ. Wonderful. Hi everyone. My name is Manchu Shukalotra, and I've played Major Rajiv Kapoor in the film Shershah. और आप लोग सुन रहे हैं मुझे आरजे दीपा के साथ. थैंक यू. बहुत जल्द आपसे फिर से बातें होंगी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू शो. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू दीपा. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. लेट्स कनेक्ट बैक अगेन. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.